रोटावेटर दे रहे हो, क्या ये इसको खींच पाएगा? जी जी सर, इतना जो आप देख सकते हो इतना बड़ा रोटावेटर इसको खींच लेगा, आपको चला के भी दिखाएंगे। 9 हॉर्स पावर का ओरिजिनल होंडा का इंजन है इसमें। पीटीओ है सर? जी जी, मैं पीटीओ का सिस्टम है इसमें। आप रीपर चला सकते हो, स्प्रे पंप चला सकते हो, वाटर पंप। ये ओरिजिनल होंडा? जी 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 सर, ओरिजिनल होंडा है, 270 cc का ओरिजिनल होंडा का इंजन है। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने क्रिएटिव जोन चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आऊँ पावर वीडर। तो आज आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे हम पावर वीडर के बारे में। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसी ऐसी न्यू न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज आपको हम होंडा के जो पावर डीलर हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सर आप बताएं हमारे किसान साथियों को, ये कितने एचपी का इंजन है? सर जो कि आप जो देख रहे हो हमारा बुल मॉडल है, बुल जैसी इसमें ताकत है। ये 9 हॉर्स पावर का 270 cc का इसमें होंडा का ओरिजिनल इंजन लगा हुआ है, जो कि पूरा एकदम कि आप देख सको लुकिंग भी इसकी कितनी बढ़िया है, जबरदस्त है। तो इसमें हम 4.5 फीट का रोटावेटर देते हैं सर। और इसका जो गियर बॉक्स है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें? सर इसका जो गियर बॉक्स है वो 2.5 लीटर का गियर बॉक्स है, बड़ा गियर बॉक्स लगाया है ताकि इसको पूरी पावर मिलती रहे। और इंजन की तो बात की जाए, इंजन इसमें हमने होंडा का दिया है, 270 cc का ओरिजिनल होंडा का इंजन है आप देख सकते हो। तो इसका जो गियर बॉक्स है उसमें 2 गियर है, आगे के फर्स्ट एंड सेकेंड, और 1 गियर है रिवर्स का। टोटल 3 गियर इसमें हमने दिए हैं। जी सर। और ये क्या क्या काम कर सकता है? सर ये काम पूरा जैसे कि पूरा ट्रैक्टर हमारा बड़ा ट्रैक्टर काम करता है, रोटावेटर चलाने का, कल्टीवेटर चलाने का, लेवलर, रिजर, साइड प्लो, और मेन बात इसमें पीटो की भी है। जी जी, जो अटैचमेंट आपने दी हैं? जी जी जी, सारी अटैचमेंट इनके साथ लग जाती है, जैसे कि लोहे के टायर, रिज 3, लेवलर, कल्टीवेटर, साइड प्लो, रिजर, वो 3 डाइन वाला कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीट, ट्रॉली, मतलब 30 से 25 अटैचमेंट है जो कि इनके साथ अटैच हो जाती है। और ये अटैच कहाँ पे होगी सर? वो सर जी जैसे कि रोटावेटर इसके टायरों की जगह चलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो कि टायरों की जगह पे रोटावेटर चलता है, बाकी अटैचमेंट यहाँ पे पीछे लग जाती है। और इसमें कि आपको मैं बता दूं कि ये पूरा की डायरेक्ट कपलिंग किया हुआ है इंजन से गियर बॉक्स, ऐसा नहीं कि बेल्ट का या कोई पुली का सिस्टम डाला गया है, पूरा डायरेक्ट पीटीओ इंजन के पीटो से गियर को कपलिंग किया हुआ है। और जहाँ पे पीछे भी हमने पीटो निकाली है ताकि कोई अटैचमेंट लगानी है, अपने स्प्रे पंप लगाना है, वाटर पंप लगाना है, स्प्रे पंप लगाना है, सारी अटैचमेंट है इनके साथ लग जाती है। जी ये देखने में काफी बड़ा है तो जी, इसको क्या छोटा मतलब कम हाइट वाला? सर जी कोई सा भी बच्चा से छोटा सा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा और 70-80 साल का बुजुर्ग भी इसको चला लेगा। महिलाएं चलाती है, हिमाचल की महिलाएं, अपनी महाराष्ट्र की महिलाएं, वो उनके क्योंकि ज्यादातर वो आर्मी में है, वहां पे महिलाएं काम करती है खेतीबाड़ी का, वो भी इनको चलाती है। और हैंडल की बात की जाए वो हैंडल पूरा एडजस्टेबल है, आप देख सकते हो इसको पूरा एडजस्ट कर सकते हो नीचे से ऊपर तक, कोई सा भी, जैसे कि मेरी हाइट छोटी है यहाँ पे हो जाएगा, आपकी हाइट लंबी है ये ऊपर हो जाता है, मतलब कि पूरा एडजस्टेबल हो जाता है। और हैंडल घूम भी जाता है इसका, अच्छा, जहाँ से घूम भी जहाँ से खोल के ये पूरा घूम के इधर आ जाता है 360 डिग्री। जी जी जी, 360 डिग्री के ऊपर घूम जाता है क्योंकि आपने रिपर लगाया है तो हैंडल घूम के इधर आ जाता है। तो टंकी कितने लीटर की है इसकी सर? जो कि इसमें हम 5 लीटर की टंकी आती है, पीछे जी होंडा का इंजन है, 5 लीटर की टंकी आती है और यहाँ पे एयर क्लीनर आ जाता है इसका। और स्टार्ट करना बहुत आसान है सर, पेट्रोल वेरिएंट का होंडा का इंजन है जी। इसके और क्या क्या बेनिफिट है? सर जी बेनिफिट इसका ये है कि इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है, मतलब कि बच्चा भी इसको चला सकता है, बुजुर्ग भी चला सकता है। कोई इसका हमने हैंडल एक तो लंबा कर दिया और दूसरी बात इसका होंडा का इंजन है, इंजन का भी बहुत बेनिफिट रहता है, जो कि मार्केट में चाइनीज इंजन वाले पावर टिलर आते हैं उनमें वाइब्रेशन बहुत होती है, इसमें वाइब्रेशन 0% कर दी, बहुत कम है। और इसका मगराड़ भी हमने इसे डबल दे दिया, आप देख सकते हो डबल मगराड़ का सिस्टम कर दिया हमने इसको। तो अगर सर छोटा बनाना चाहे हम रोटरी को? रोटरी भी सर जी इसकी छोटी हो जाती है, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 4.5 फीट और कम से कम 18 इंच हो जाती है। कितने ब्लेडों के साथ आती है जी? 40 ब्लेडों के साथ आती है सर।
आप देख सकते हो कितनी बड़ी रोटरी इसके यहाँ हम दे रहे हैं। कितने फीट का एरिया मिनिमम ये सब? 4.5 फीट एरिया कवर कर लेती है। और आगे जो ये टायर लगे हुए हैं इनके बारे में बताइए। सर जी टायर भी हमने इसमें इंडिया का ही, इंजन इंडिया का, गियर बॉक्स इंडिया का, टायर भी हमने इंडिया के ही दिए है। हिंदुस्तान कंपनी के टायर है, 5/12 के टायर है, इंडिया के टायर है। रेडियल गुड्डी वाले जो कि बड़े ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा वो रेडियल गुड्डी वाले, A1 गुड्डी वाले बड़े ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा वही यूज होते हैं। और ट्यूब वाले है सर जी, क्योंकि ट्यूबलेस टायर कभी भी सक्सेस नहीं हुआ खेत में, रोड के ऊपर चलने के लिए ट्यूबलेस टायर है, खेत में कभी भी ट्यूबलेस टायर नहीं चल पाएगा जी। और इसकी फ्यूल कंजप्शन है एक घंटे में कितना एरिया निकाल देगा सर जी? फ्यूल कंजप्शन की बात की जाए एक घंटे में मात्र 1 लीटर पेट्रोल लेगा, क्योंकि होंडा का इंजन है 270 cc का, 9 हॉर्स पावर का, 1 घंटे में 1 लीटर ही पेट्रोल लेगा। तो जैसा कि किसान साथियों आप देख रहे हैं, हमने इस रोटर के बारे में, वीडर के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। अब हम चलते हैं एक छोटे वीडर के सामने। तो इसमें भी सर जी होंडा का ही 7 हॉर्स पावर का 200 cc का इंजन लगा हुआ है, आप देख सकते हो। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 3.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 3.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, और ISI मार्के वाला इंजन है, आप देख सकते हो। ISI मार्के वाला ओरिजिनल इंजन है होंडा का। इसमें हमने गियर बॉक्स लगाया है, 2 लीटर का गियर बॉक्स दिया है। इसमें भी 2 फ्रंट के गियर 2 है और रिवर्स का गियर भी है, इसमें 3 गियर। इसमें एक्सीलेटर आपकी हाथ में आ जाती है, इसका भी हैंडल आप एडजस्टेबल कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी हाइट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हो जी। सर और इसमें रोटरी कौन सी है? इसमें सर 3 फीट का रोटावेटर देती है कंपनी, और इसको भी आप 18 इंच तक कम कर सकते हो। इसमें भी हम चार इसमें कितना कर सकते हैं सर? 18 इंच सर, और ज्यादा से ज्यादा 3 फीट देते है, 3.5 फीट तक की रोटरी चला लेता है। और इसमें हम 4/8 के टायर देते हैं, जे भी इंडियन वाले ट्रैक्टर गुड्डी वाले A1 गुड्डी वाले टायर देते हैं इसमें जी। सर जैसा आपने बताया कि उसके साथ में अटैचमेंट्स लग जाती है, तो ये सारी अटैचमेंट क्या? जी सारी अटैचमेंट है इसके साथ लग जाती है। मैंने आपको पहले बताया हमारे पास जो पावर टिलर है वो डायरेक्ट इंजन से गियर को कपलिंग किया हुआ है, कोई बेल्ट पुली का सिस्टम नहीं है। और पीछे इसमें भी PTO का सिस्टम मिल जाएगा आपको, 7 हॉर्स पावर वाले पिलर में भी PTO का सिस्टम मिल जाएगा। इसके आगे एक टायर भी दिया गया, ये किस लिए? टायर देने का बेनिफिट सर हमारा ये रहा कि घुमाने को बढ़िया है, आप देख सकते हो घुमाने वहीं पे ही ऐसे घूम जाएगा। अगर आपको अगर जो फील्ड अगर जी वहाँ पे लेके जाने को आसानी रहती है। जी और अगर ट्रॉली वगैरह कुछ इसके पीछे सीट वगैरह? ट्रॉली भी लग जाती है सर, सीट भी इसके साथ लग जाती है, और ट्रॉली में आप 8 से 10 क्विंटल वजन खींच सकते। जैसा कि किसान साथियों आप देख रहे हैं ये इससे छोटा है, लेकिन होंडा इंजन के साथ ही है दोनों जी। तो ये सर कितना तेल लेगा और कितना? सर जी ये 1 घंटे का लेगा 700 ml, मात्र 700 ml 1 घंटे का पेट्रोल लेगा। और स्टार्ट करने का वही तरीका है सर जी? बहुत आसान है इसको स्टार्ट करना, होंडा का इंजन है, इसको पहली किक में स्टार्ट होने वाला इंजन है ये। जी एक चीज और मैं देख रहा हूँ, ये एक चीज नहीं लगी हुई है, ये लीवर, ये किस चीज का लीवर है सर जी? ये हमने इसको सेफ्टी का प्रोविजन देते हुए बनाया हमने ये, अगर जैसे कि किसान भाई चला रहा है या कोई भी चला रहा है उसके हाथ से छूट गया तो जो लीवर ऐसे छूट जाएगा इंजन वहीं पे ही बंद हो जाता है जी। और ये टूल किट इसके साथ आती है सर जी? हाँ मेन बात टूल किट के बिना तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज ले लो टूल किट तो सर जी उसके साथ में आनी ही आनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे चाबी पाने, प्लग पाना, और इंजन की बुक और गियर की बुक हम साथ में देते हैं इसके। जी सर। तो ये डेप्थ कितनी देगा गहराई? 7 इंची तक सर जी गहरा चला जाता है, चाहे जे वाला मॉडल ले लीजिए हमारा, चाहे 9 HP वाला, दोनों ही 7 इंची गहराई जुताई कर देते हैं। मंगवाना चाहे कोई किसान भाई हमारे? जी इसको मंगवाना सर जी बहुत आसान है, नीचे दिए गए जो भी नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी इनके बारे में, जो कि हमारा स्टाफ मेंबर बैठा है वो आपको इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा, और तसल्ली करके पूरा इसको फिर आप बुकिंग करवा सकते हो, अपना एड्रेस वगैरह भेजना होता है। कोई हमारा किसान भाई, नया ही किसान भाई है, जी मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसने मंगवाई है जी तो उसके लिए कैसे हैंडल कर सकते हो? वो हमारा टेक्निकल स्टाफ अलग से बैठता है सर, वो इसके बारे में जो भी आप पावर टिलर लेते हो उसके बारे में
अकेली अकेली चीज बताते हैं कि भाई इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इसका गेयर लगाना है, क्या क्या चीज करनी है, वो उसको पूरी नॉलेज देता है, वीडियो वगैरह भेजता है और मैनुअल में तो सभी बात होती हुई है जी। तो सर इसके साथ में क्या क्या चीज आप खरीद देते हो जी? जी इसके साथ में तो सर जी मशीन जो कि हमारा 7 HP का है, इसके साथ हम 3 फीट का रोटावेटर और लेवलर या रिजर या कल्टीवेटर या साइड ब्लेड, चारों में से कोई एक अटैचमेंट फ्री ले सकते हो, 2 अटैचमेंट आपको फ्री मिल जाएंगी। और जो 9 HP का, इसके साथ भी हम 4.5 फीट का रोटावेटर और एक अटैचमेंट और 2 अटैचमेंट इसके साथ भी आपको फ्री मिलने वाली है और डिलीवरी चार्ज वगैरह जो है सर जी इनकी जो डिलीवरी है वो कस्टमर के पिन कोड के हिसाब से डिलीवरी फ्री रहने वाली है, जहां तक उसका पिन कोड आएगा डिस्ट्रिक्ट तक जहां पे गति का कोरियर का गोडाउन होगा वहां तक इसकी डिलीवरी फ्री है। इंडिया भर के अंदर है पूरा ऑल इंडिया सर जी, कहीं का भी हो कस्टमर, हिमाचल हरियाणा जम्मू कश्मीर कहाँ का भी हो वहां तक इसकी डिलीवरी फ्री है। तो इसका रेट वगैरह प्राइस वगैरह क्या सर जी? इसका जो कि हमारा जो कि 9 हॉर्स पावर का इंजन है इसका रेट रहने वाला है 88,000 रुपये 88,000 दो अटैचमेंटों के साथ, और जो हमारा 7 हॉर्स पावर का है इसका रेट रहना है 62,062,000 दो अटैचमेंटों के साथ और डिलीवरी फ्री जी। तो सर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको ऐसी मशीनों के साथ अपनी खेती को आसान बना सके। और ये वीडियो अपने किसान भाइयों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो खेती है वो आसान हो जाए। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।